पाकिस्तानी आवाम क्यों अपना पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है, मुझे इस बात का जवाब दे दिया। कायदे आजम ने आजाद नहीं करवाया था 14 अगस्त 1947 से पहले, जब इंडिया इधर रहते थे वो क्या नाम है, एक मिनट, अमरीका इधर रहता था, जो भी मुल्क रहता था गोरों की, उन्हें फिर क्यों निकाला? जो पाकिस्तान का हाल है वही इंडिया का भी है। नहीं, वो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। मैं खुद इंडिया से होके आई। कब आप इंडिया गई थी? मैंने 3 साल पहले। 3 साल पहले किस सिलसिले में गई थी आप इंडिया? वो सीक्रेट है। सीक्रेट है ना, फिर भी गई कैसे? वीजा तो मिल नहीं रहा। मेरी बात सुने, एक मिनट, एक मुल्क, एक चीज इतने सालों से, 4 साल में मतलब कैसे चेंज हो जाएगा? क्या चेंज होगा 4 साल में? कैसे होगा? खान जैसा लीडर कोई नहीं है, इमरान खान जैसा कोई हो भी नहीं सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई लाइन बोले जो अपने कंट्री के लिए, उसके लिए मैं बोल सकता, वो भी वैसा ही है, वो खुद का काम। तो फिर क्यों उन्हें इतना प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल उनकी थोड़ी सी हरकतें सही है ना, आम पब्लिक में वो उनके उन्होंने पाबंदी लगाई, सिगरेट नहीं पीते थे, हम जहाँ पे मर्जी पी रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे पी रहे हैं। किस सिटी में आप गई थी, किस शहर में? सुबह शाम में गई थी, दिल्ली भी गई हूँ, अच्छा मुंबई भी गई। तो आप वहाँ किन के पास ठहरी थी जिन्होंने आपको बताया जी मुसलमान बड़े मुश्किल? फैमिली थी, हिंदू फैमिली थी, अच्छा ब्राह्मण थी, उनके पास आप ठहरी थी? ठहरी थी, लेकिन आप खुद कह रही हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, लेकिन आप खुद हिंदुओं के पास ठहरी थी वहाँ। अगर इंडिया से लोग देख रहे हैं, अगर बांग्लादेश से लोग देख रहे हैं, जिधर से भी जिन्हें हमारी जुबान के, वो हंस नहीं रहे होंगे यार, ये देखो ये जाहलों की आपस में लड़ रहे हैं। क्या रेट है आज का, देख लो ढोल का क्या रेट है, रोटी का क्या रेट है, कितने 2 रुपए की रोटी होती है, ये बात है ना, और नवाज शरीफ के जलसे में तराने होते हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है या झूठ बोल रहे हैं। तो वो मुझे मिलने आ रहे हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहाँ पे मौजूद है, ना तो वो ट्रंप से मिले ना ही वो जो बाइडन से मिले, क्या वजह है? हमारी वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्या करने गए हैं, क्या वहाँ पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर IMF से पैसे लेने गए हैं? कोई वजह तो ये है भाई, खुद सब बहुत बड़े चोर है, ठीक है कोई पूछने वाला नहीं है, बस आएंगे पब्लिक, आप ही तो वोट देते हैं, मैं ही तो वोट देता हूं भाई, जिन वोट इधर पाते इमरान खान को डाले जाता उसको नवाज शरीफ को, किसी और को, अगर पीपल पार्टी को जाता किसी और को, ये है जितनी भी जमाते हैं भाई जन, ये मैं आपको बता दूं। अगर यही बात करेंगे कि जैसी आवाम है वैसी हुक्मरानी, ठीक है आप बताएं, नून लीग जैसी कोई हुकूमत ना आई है ना आएगी, अच्छी है, नवाज शरीफ जैसा लीडर ना आया है ना आएगा, ठीक है, नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी नहीं होती, सुकून होता है, आपको आप बलोचिस्तान की सूरत हाल का आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आप किस इलाके से? मैं गई नहीं होती, मैं मुल्तान का हूँ, मुल्तान में नवाज शरीफ ने कितनी दहशतगर्दी खत्म की, अच्छा बल्कि पूरे पाकिस्तान में खत्म, आप मानते हैं? और हालो फ्रेंड, जैसन की PM नरेंद्र मोदी जे हथिन से USA गेल हथिन, तो USA गेल हथिन तो वही पर जे है से USA के जो हथिन उन्हीं सब से पूरा PMOM जे हथिन उन्हीं प्रेसिडेंट उन्हीं पूरा भव्य स्वागत कर ले हथिन। डोनाल्ड ट्रंप भी कह ले है कि PM मोदी से हम मिलते हैं, अगला बार इलेक्शन हो वाला है ना तो ओकरा में है संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जते, लेकिन तब का करबा, वह पाकिस्तान के भी जो है PM वो गेल है वहाँ यहाँ अमेरिका, तो अमेरिका गेल है तो ओकरा कोई पूछते ना हथिन, तो यही पर जो हथिन से सब पाकिस्तानी पब्लिक जो कहते हथिन कि देखा हमनी के प्रधानमंत्री भी हथन अमेरिका में जरा कोई पूछे नहीं के, और नरेंद्र मोदी जी भारत के हथिन प्रधानमंत्री वो गेल हथिन, उनका सब पूरा स्वागत में पूरा कर ले हथिन ऐसे वैसे पूरा एकदम मानित हथिन, पूरा आदर सत्कार करते थीन, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कुछ ना कोई वैल्यूए ना कुछ ना पूछे थीन, उनका सोचे थीन कि मांगे आ गया है फिर से कटोरा लेके, तो चला करे थी। लेट्स कंटिन्यू, अपने आप को बदलना चाहिए, इन सियासतदानों को नहीं बदलना, हमें ये देखे इसका मतलब है, हम का मतलब मैं भी आता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, ये वोट देते हैं हम, नारे लगाते हैं लो इमरान खान नवाज, मगर क्या हमें क्या मिलता है? पाकिस्तान के लिए कौन नारा लगा रहा है? पाकिस्तान के साथ कोई भी इंडिया वे ना कितना अपने तो आगे निकल गया, बिल्कुल पांचवा आगे कितना निकल, कितना इंडिया कितना आगे निकल गया, बहुत आगे, 200 से आगे, कैसे इंडिया? हम लोग बॉर्डर पे गए थे, बॉर्डर गलती से क्रॉस करके गलती नहीं बॉर्डर क्रॉस करके, और उन्होंने वापस भी आने दिया, लेकिन कुछ लोग अगर यहाँ अच्छे और बुरे हैं वहाँ भी अच्छे और बुरे।
ये तो बात आपकी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह पे अमीर तबके उन्होंने तमाशा बनाया था जो अच्छा जो गरीब आप वहाँ इंडिया गए हैं आपने क्या उधर ऑब्जर्व किया उधर की मुसलमानों की जो हालत देखी है ना अच्छा वो इस तरह जैसे पैरों के नीचे कौन से सिटी में आप गई थी किस शहर में मैं सुबह शाम में गई थी दिल्ली भी गई हूँ अच्छा मुंबई भी गई तो आप वहाँ किन के पास ठहरी थी जिन्होंने आपको बताया जी मुसलमान बड़े मुश्किल फैमिली थी हिंदू फैमिली थी अच्छा ब्राह्मण थी उनके पास आप ठहरी थी लेकिन आप खुद कह रही हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है लेकिन आप खुद हिंदुओं के पास ठहरी थी वहाँ पे इसका मतलब है अगर उन्होंने मोदिया में आज भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है नहीं वैसे पिछले दिनों खबर ही आ रही थी देखने वाले जरा कमेंट बॉक्स में बताएं खबर ही आ रही थी कि जितने वहाँ पे भिखारी हैं मोस्टली पाकिस्तान से जाते हैं देखिए जो बिजनेसमैन है जो जॉबलेस है वो भी है ठीक है भिखारी अगर इधर है भिखारी हर जगह तो उनकी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है यानी उनकी दिन ब दिन मुईशत लोगों ने आसान चीज सोच लिए मांगना मेहनत के बजाय मांगना ये चीज है जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और अल्लाह का इरशाद पाक है बारी ताला है ये नहीं मांगने वाले हाथ से ना मेहनत वाला हाथ नीचे, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है कि वो मेहनत करने वाला ठीक है क्या मैसेज वैसे जैसे माल होंगे वैसे ही आपके साथ काम होगा ना अगर आप अच्छे माल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे बुरे करेंगे तो दोजख में जाएंगे कॉन्सेप्ट हमारा ये है अच्छे करेंगे लेकिन हम करते फिर नहीं है शायद सब दोजख में जाने के लिए तैयार है नहीं क्यों तैयार है ये लोग अगर हम लोग जाएंगे ना गरीब लोग अपनी मजबूरियों की वजह से जाएंगे उन्हें कोई मजबूरी नहीं है ये अगर मिलियन आए या 7 मिलियन आए या 12 मिलियन डॉलर 7 बिलियन 7 मिलियन डॉलर जैसे जितने भी वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए ठीक है अच्छा तो देखला ना एहनी के यही हाल होते हैं सगरो पूरा दुनिया में यही हाल होते हैं काहे कि एहनी अपन भिखारी वाला जे हथिन अपन बनाई ले ले हथिन इमेज जहाँ जहाँ हथिन वहाँ मांगे लगे हथिन है हाथ फैला के कटोरा लेके मांग लेते हैं कि हाँ हमारा इतना डॉलर चाहिए हमारा इतना रुपया चाहिए हमारा ये होले हमारा वो होले मैं जौन देश में जा तहाँ हाथ फैला के आवे तो ऐसे भिखारी के है एहनी के इमेज हो गए ऐसे कोई रिस्पेक्ट ना दे भाई कोई सोचे कि बाग सर आगे लो भीख मांगे ऐसे वैसे करके तो यह पाकिस्तानी के यही हाल होते हैं ऐसे जे अब पाकिस्तान के आदमी हो जाते हैं दूसरा दुनिया में सगरो तो वहाँ जाके भीख मांगे लगे थे तो जहाँ तोनी के सरकार जो है वहाँ न्यू भीख तो मांगबे कर रहा हो और साथे साथे जो है उसे प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाओ वह भीख मांगो तो भीख मांगते तो का होता हो ये ना होता हो सब वह लाते मारता तू ना भगेबे करता तू ना तो वीडियो कैसा लगल हुआ हमारा कमेंट में बताइए और चैनल के सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू।